नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 14 नवंबर को सीआरपीएफ में पदस्थ बिहार रेजिमेंट के कोबरा कमांडर अजीत सिंह परमार की आलोट के पास लाश मिली है। वहीं आलोट पुलिस ने बिना शिनाख्त और पोस्टमार्टम के ही लाश को दफना दिया। जवान अजीत 13 नवंबर की रात को दिल्ली से बड़ौदा के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जो कि बिहार के गया में पोस्टेड थे। 14 नवंबर की सुबह मुंबई सीआरपीएफ के द्वारा परिजनों को सूचना मिली, जिससे परिजन आलोट पहुंचे, जहां पर बताया गया कि लाश को दफना दिया गया है। परिजनों की आपत्ति करने पर लाश को पुनः कब्र से बाहर निकाला गया। लाश देखने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और न ही लाश की शिनाख्त के लिए आलोट पुलिस ने कोई प्रयास किया। परिजनों की मांग पर आलोट पुलिस ने जवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम जिला चिकित्सालय ले गई, जहां मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम होगा। वहीं परिजनों ने सीआरपीएफ पर अपने जवान की तलाश में मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया है। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।